दोस्तों, ये है काठमांडू का सबसे फेमस गार्डन, दी गार्डन ऑफ डेम, जो कि वन ऑफ द बेस्ट गार्डन है काठमांडू में। यदि आप विजिट करना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हैं, गार्डन बहुत अच्छा है। बाकी बात की जाए इसमें टाइमिंग की, तो आप देख सकते हैं 9 बजे से 10 बजे तक ये खुलता है। गंगास टाइम 9 बजे तक का है रात का। बाकी टिकट इसमें देख सकते हैं, सिंगल टिकट जो है 400 रुपये की है, 10 टिकट आप खरीदते हो तो 3,000 रुपये की टिकट ये पड़ेगी। बाकी अभी हम चलते हैं विजिट करने, यहाँ का व्यू कुछ देख सकते हैं। ये गार्डन के नाम से बहुत फेमस है ये जगह। यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे व्यूज देखने को मिल जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो खिंचवाएंगे तो बहुत ही सही फोटो आएगी यहाँ पे। बाकी पेड़ पौधे यहाँ पे दबा के दिए गए हैं, जितने मर्जी फोटो खींची कोई मना नहीं है। यहाँ पे कुछ कपल्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो एंजॉय करते हैं इस पार्क को। बाकी मैं अच्छे से दिखाऊँगा वीडियो में, एक एक चीज़ समझा दूँगा इस गार्डन ऑफ ड्रीम के बारे में। दोस्तों, ये जो गार्डन ऑफ डेम है ये 1920 में बनाया गया, तो जो कि डिज़ाइन किया गया था ये किशोर नरसिंह जी ने, जो कि इसका जो ओवरऑल साइज हैगा वो हैगा दोस्तों 6,895 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ, जिसमें आपको कई सारे रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर बाद वीडियो में आपको एक एक चीज़ दिखा दूँगा कि कौन सा पौधा है, बट अच्छा है। ये दोस्तों पौधे का नाम तो याद नहीं, लेकिन इसके बारे में गार्डन ऑफ टॉप मैंने लिखा हुआ अच्छे से, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बस यही छोटा सा गार्डन ऑफ डेम, यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। ये है दोस्तों एक कैफ़े जहाँ पे आप चाय, समोसे, पकौड़े को ऑर्डर कर सकते हैं, जहाँ पे आप व्यू को देखते हुए एंजॉय कर सकते हैं, खा पी सकते हैं अपने पार्टनर के साथ या फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ भी। बाकी दोस्तों आपके फ़ोटो यहाँ पे बहुत अच्छे आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको, एक एक व्यू के साथ में आप फ़ोटो ले सकते हैं। ये पता नहीं क्या है दोस्तों, पानी बहता हुआ आ गया यहाँ पर, अभी कहाँ जाएगा ये क्या, चलते हैं देखते हैं। काफ़ी अच्छी आती है क्योंकि सीट वीट देखने को सही से बनाई हुई है। बाकी ऐसा खास तो मुझे कुछ दिखा नहीं है। पैसे खर्च हो गए। यहाँ से तो वो भी नहीं आएगा। बाकी दोस्तों आप सब मुझे बताओ कि गार्डन ऑफ डेम आपको पसंद आया या नहीं, मुझे इतना खास मज़ा नहीं आया है। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो कर ही देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।